हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से बात कर रहा हूँ। आज का हमारा BLLB हिस्ट्री का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वैदिक कालीन शासन व्यवस्था। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में क्या था कि वेदों के अकॉर्डिंग हम शासन करते थे पहले, कि वैदिक जो वेदों में लिखा हुआ था, वेद थे हमारे चार। सबसे पहला वेद था यजुर्वेद, ऋग्वेद, फिर था सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। इसके अकॉर्डिंग कैसे समाज कार्य करता था, कैसे शासन व्यवस्था थी, उसके विषय में था कि किस किस तरह के साम्राज्य थे। तो सबसे पहला साम्राज्य था किंगडम, साम्राज्य का नाम था उसका, सबसे प्रथम साम्राज्य था। इस समय दूसरे राज्यों को परास्त करना, उनको अपना दास बनाना और अपने आर्य कानून के अकॉर्डिंग साम्राज्य को चलाना, ये साम्राज्य का कार्य था। दूसरा था भोज्य। भोज्य इसमें कोई राजा नहीं होता था, बल्कि सारी जनता मिलकर शासन चलाती थी। इसमें सबसे बड़ा जो दोष था कि ये बहुत बड़े भूभाग पर राज्य नहीं कर पाते थे, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पाते थे एक साथ और सबके विचार अलग अलग होते थे। तो ये पूरे साम्राज्य पर, इसका एक दोष यही है कि ये पूरे साम्राज्य पर शासन नहीं कर पाते थे। फिर तीसरा था वैसाज्य। इस राज्य में अनेक छोटे छोटे राज्य अपनी इच्छा के को एक विधान कानून के अकॉर्डिंग शासन चलाते थे। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग रहते थे, ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, तो ये सब इकट्ठा हो जाते थे। अगर अलग अलग चलाते तो शासन नहीं कर पाते। जैसे आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक बाप के चार बच्चे थे, तो जो फादर था उनका, वो समझाता था बेटा लड़ो नहीं, तो वे लड़ते रहते थे, अलग अलग रहते थे। फिर उसने एक सभी बच्चों को एक एक लकड़ी दी और कहा कि इसको तोड़ो। तोड़ने का जब उनको दी तो उन्होंने आसानी से वो लकड़ी तोड़ दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने चार लकड़ी और दी जो कि इकट्ठी बंडल बना के दी, तब उन्होंने कहा कि इनको तोड़ो, तो वो नहीं टूटी। तो फिर कहा कि देखो, अगर आपने अलग अलग रहोगे तो कोई भी आप पर शासन कर लेगा, लेकिन अगर इकट्ठा रहोगे तो शासन नहीं करेगा। वैसे ही वैसाज्य का उदय हुआ था। फिर महाराज्य। महाराज्य भी सेम टू सेम इसी रूप में है, इसके किसी पर दबाव नहीं था, परंतु इसके सबका लाभ होता था इस राज्य में। संसार की जो स्पर्धा है, प्रतियोगिता, जिसको हम कंपटीशन भी कहते हैं, में छोटे छोटे राज्य नहीं रह सकते थे, इसलिए इकट्ठा होकर महाराज्य में परिवर्तित हो गए। ये भी फिर इसके बाद था अधिपत्यमय। अधिपत्यमय क्या था? पति तथा अधिपत्यमय, ये राज्य के अधिकारियों के नाम थे, पति तथा अधिपत्यमय। इसकी संपत्ति से जो राज्य चलता था वह अधिपत्यमय राज्य कहलाता था। यानी कि दो अधिकारी होते थे जिसे कहा जाता था पति और अधिपत्यमय, उनसे ये राज्य चलते थे। इस प्रकार के राज्य में शासन का कार्य अधिकारियों के अधीन ही रहता था। फिर इसके बाद आता है सिक्स लॉर्डली, सामंत पर्यायी। इस प्रकार के राज्य का शासन सामंतों के, सामंत कौन होते थे? जमींदार, उनके अधीन रहता था। इस कारण इसका नाम पड़ा सामंत पर्यायी। फिर इसके बाद है सेल्फ सिस्टम, स्वराज्य, सॉरी सेवन है परमेष्ठ राज्य, परमेष्ठ किंगडम। परमेष्ठ नाम जो है प्रजापति का है, प्रजापति यानी कि ईश्वर का, इसका अर्थ होता है ईश्वर का नाम है। इसका अर्थ था कि जो ईश्वर के अधीन राज्य होते हैं, परमेष्ठ राज्य को सर्वोपरि मानकर अपना कर्तव्य निभाना ही इसका उद्देश्य था। फिर था सेल्फ सिस्टम, स्वराज्य शासन। यह राज्य वैदिक काल का एक उत्तम राज्य था। इस राज्य में स्वयं की शुद्धि पर अधिक बल दिया जाता था। वैदिक काल में अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो शिक्षा शुरू से ही दी जाती थी इस राज्य में, मतलब इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि अब इंसान के स्वयं की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता था। तो
तो ये तो थे आपके वैदिककालीन शासन व्यवस्था के राज्य। फिर आता है आगे वैदिक काल की समाज व्यवस्था, कि समाज व्यवस्था उस समय किस टाइप की थी। सबसे पहले फैमिली सिचुएशन, पारिवारिक अवस्था। तो पारिवारिक अवस्था इस समय संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, यानी कि सब जॉइंट फैमिली रहती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, फादर इसका जो है मुखिया होता था। पिता की आज्ञा का भी परिवार के सदस्य पालन किया करते थे। इस समय का पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा तथा परिवार का प्रत्येक सदस्य मेल से ही रहता था। तो इसका बहुत फायदे थे जॉइंट फैमिली के। फिर दूसरा था एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा। इस समय शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा था। गुरु के सानिध्य में रहकर शिष्य वैदिक का ज्ञान, शिष्टाचार, सदाचार आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षण व्यवस्था के मुख्य चार भाग थे। शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, मानसिक शिक्षा दी जाती थी, व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी और नैतिक शिक्षा दी जाती। शिक्षा द्वारा बालकों को सदाचारी बनाया जाता था। फिर आगे है मैरिज, विवाह। पारिवारिक स्थिरता, लौकिक सुख और पारलौकिक मुक्ति के लिए विवाह बहुत ही अनिवार्य था। विवाह प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक था। वेदों में कहा गया कि अविवाहित लड़की चाहे कितनी भी तपस्या क्यों न कर ले, वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकती, यानी कि उसको विवाह करना पड़ेगा ही, अर्थात वह मरने के बाद नरक में ही जाएगी। फिर है सिचुएशन ऑफ लेडीज, स्त्रियों की दशा। कन्या के विवाह की चिंता उसके आने वाले जीवन को सुखी बनाने के लिए पिता को बहुत रहती थी, किंतु कन्याओं को घृणा की दृष्टि से कभी नहीं देखा जाता था। विवाह के पश्चात जो है पति के वधू जो है पति के घर में प्रवेश करती थी, जहां उसे पति का प्रगाढ़ प्रेम और सास ससुर का स्नेह प्राप्त होता था। इस समय स्त्री का हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। फिर है एंटरटेनमेंट, आमोद प्रमोद। एंटरटेनमेंट मतलब आमोद प्रमोद क्या था उस समय? जैसे आजकल तो आमोद प्रमोद है, टीवी देख लिया, क्रिकेट खेल लिया और बहुत सारे गेम है, लेकिन उस समय इस तरह के गेम नहीं थे। किस तरह के थे? इस समय लोगों के मनोरंजन का साधन केवल रथों और घोड़ों की दौड़े, चौपट खेलना, नाच करना आदि था। जो चौपट था, चौपट मतलब था कि जुआ खेलना, और इससे कई परिवार उस समय बर्बाद भी हो जाया करते थे। जैसे कि महाभारत जो कराने का है वो जुआ खेलना ही था, चौपट खेलने से ही महाभारत हुआ था उस समय। फिर है ज्वेलरी, आभूषण। इस समय आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को प्रिय थे। सैनिक युद्ध में आभूषणों से सज्जित होकर जाते थे और हाथियों को, घोड़ों को और गजों को आभूषणों से सजाया जाता था। थैंक यू।